वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रोफेसर दिलीप सिंह मंडल के ट्विटर अकाउंट को लेकर मोदी सरकार ने ट्विटर से शिकायत की है। ट्विटर की ओर से प्रोफेसर दिलीप मंडल को भेजे गए नोटिस में बताया गया है कि सरकार की ओर से मिली कानूनी शिकायत के आधार पर हमने आपके ट्वीट की समीक्षा की है, इस बार हमने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सूचना दी। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को टैग करते हुए पूछा कि मेरे किस कंटेंट से दिक्कत हुई, क्या मेरे सरनेम से कोई प्रॉब्लम है। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने रविशंकर प्रसाद से तीखा सवाल पूछा। उन्होंने लिखा, वंशवाद के विरोधी और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री ठाकुर प्रसाद के पुत्र रविशंकर प्रसाद बताएं कि मेरे किस ट्वीट से सरकार को तकलीफ हो गई। ट्विटर बता रहा है कानून मंत्रालय को मेरे किसी ट्वीट से मिर्च लगी है, वह ट्वीट कौन सा है। ट्विटर बता रहा है आपको मुझसे ही तकलीफ है। दबंग फिल्म का एक डायलॉग है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। इस डायलॉग को अगर मौजूदा दौर में समझा जाए तो इसे इस तरह से बोला जा सकता है, मीडिया से डर नहीं लगता साहब, सोशल मीडिया से लगता है। मोदी सरकार के लिए मीडिया को कंट्रोल करना कोई चुनौती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करना सरकार के बस की बात नहीं, और यही वजह है कि सोशल मीडिया को लेकर मोदी सरकार जबरदस्त तनाव में है और लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे माध्यमों को या तो कंट्रोल किया जाए और नहीं तो वहां सरकार की आलोचना करने वालों पर लगाम कसी जाए। इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। आपका इस मसले पर क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।